हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद तनीषा। मैं होप करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और देखो, मैं ना ऐसे मतलब सो गई और यहाँ पे मेरे को चार उंगलियों के निशान ऐसे छप गए जैसे किसी ने मेरे को मारा हो, बट नहीं। और मैं आई थी वैक्सिंग कराने। मैं अपने फर्स्ट टाइम हैंड्स की वैक्सिंग करा रही हूँ क्योंकि मेरे को आज जाना है शादी में। सो यस, कराते हैं फिर उसके बाद मैं रेडी वेडी होंगी। मैं मेरे को ना रेडी होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और चाचा चाचा वगैरह रेडी हो चुके थे तो मैंने उन लोगों को बोल दिया कि आप लोग निकल जाओ, मैं किसी और के साथ आ जाऊँगी। तो मतलब मेरी एक कज़न है निधि, मैं उन लोगों के साथ चली जाऊँगी। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से कराने के लिए। गाइस, पता मैं ना बहुत 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 ज़्यादा लेट हो गई हूँ। अभी सबकी कॉल आ रही, निधि भी अभी ये बोल रही है कि निकलना है निकलना है, और मेरे को लिटरली सिर्फ आधे घंटे में रेडी होना है। मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगी। बाय बाय। सब मैंने यहाँ पे सेट किया, इन्होंने सेट किया। सो या पर अभी हम लोग वॉशरूम में हैं एंड मैं आप लोग को अपना एक बार लुक दिखा देती हूँ। सेक्सी लग रही हूँ। जा रही है, मेरे को भी फोर्स कर रही है बट मैं नहीं करूंगी। नाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट गोलगप्पे। नाउ वी आर गोइंग टू ईट आइसक्रीम। सुप्रिया हियर लाउड है, मतलब उधर है बट इधर भी साउंड आ रही है। और ना मैं खाना लेके बैठी थी तो मैं खाना खा रही हूँ, निधि को खाना नहीं है तो इसने चॉकलेट स्टफ खा लिया पूरा। और मैंने आपको आशीर्वाद अच्छे से मिलाया था, बाकी मैं अभी और किसी से मिला नहीं पाई हूँ क्योंकि इतना दिस इज़ सो वास्ट, तो यहाँ पे कौन किसको कब मिल रहा है कुछ नहीं पता चल रहा। हाँ, अभी जो मैंने आपको एंट्री दिखाई थी वो ग्रूम एंट्री थी, ब्राइड एंट्री अभी हो रही है। बट मैं ये सोच रही हूँ पहले मैं खा लूँ, अदरवाइज मैं बिना खाए घर पे गई तो मम्मी बोलेंगी तू गई क्यों थी, है ना। सो या लेट मी खा लिया ना। आप लोगों ने जयमाला भी थोड़ी थोड़ी देख ली होगी, वो ना ब्रिज से कट रही थी। मैं कपड़े का फोटो डाल दूंगी, काफी अच्छा। एंड अन्य शहर की जहाँ पर भी अब हम लोग निकल रहे हैं तो मेरे को ना कोल्ड ड्रिंक पीनी थी खाना खाने के बाद, तो बस मैं कोल्ड ड्रिंक लेके एंड फिर वी आर गोइंग। फिर मैं हम लोग घर पहुँच गए। कार, तो
पानी वेन्यू से। और देखो हम लोग कितनी सारी बॉटल्स भर के ले आए क्योंकि रास्ते में ना क्योंकि रास्ते में ना प्यास लगती है और यहाँ से 2-2.5 घंटे की डिस्टेंस भी है, तो इसलिए आते टाइम तो मैं बहुत परेशान थी, तो मैंने इसलिए नहीं शूट किया। हम लोग जा रहे हैं, पार्टी थी गुड़गांव के ए डॉट के एक्सप्रेस में, कन्वेंशन में पहले आए थे। अब ये लोग यहाँ पे गाड़ियों की बात कर रहे हैं कि कौन सी गाड़ी कौन सी है। रास्ता दिखाते हैं आप लोगों को और फिर मेरे फोन में बैटरी भी नहीं है तो फिर मैं कहीं बात करूँगा। कैसे भी तो रास्ते में ज़्यादा थक भी गई हूँ। गाइस नोएडा आ चुके हैं और बज रहा है 1। आयुष अपने फोन में टाइम दिखाइयो। देखो गाइस फोन नहीं खुल चुका है और बस हम पहुंचने वाले हैं, सोएंगे। हाँ मेकअप भी नहीं हटाएंगे, नहीं मेकअप हटाएंगे, मेकअप हटाना पड़ेगा फिर थोड़ी पुनसे हो जाएंगे, हालांकि होते नहीं है बट हो जाएंगे। गाइस ये लड़की इतना बोल रही है जो व्लॉग में पूरे में चुप चुप थी। और गाइस ये रियान है, ये भी मेरे व्लॉग की तारीफ कर रहा था। रियान बताओ अपने बारे में कुछ, हाय कर दो। वो तो व्लॉग कब आएगा? कल कल। चलो गाइस घर आते टाइम ना ऐसी हालत हो जाती है, देखो। एंड दिस इज नॉट ओनली विद मी, ये सबके साथ है। एंड ये रही गाड़ी जिसमें हम आए थे, बैक हो रही है। देखो नहीं दिख रहा है, देख दिख गई, देख ये हाल होता है। तो पहले मुझे यहीं रख देते हैं, गेट खुले हुए हैं हमारे। तो मम्मी कहाँ? अच्छा और ना आप लोग बिलीव नहीं करोगे, 1 बजने को जा रहा है, सिर्फ कितनी मिनट बाकी हैं, 54 हो रहे हैं, तो लगा लो ना हिसाब, मतलब 4-10 में से 4 गए, 6 मिनट बाकी हैं। तो यस पापा ने कॉल कर दी थी, मेरी मम्मी अभी सोई नहीं है, वो मेरा वेट कर रही थी। हालांकि लास्ट टाइम जब चोचो किसी पार्टी में गया था ना तो वो आया था, तो मेरी मम्मी सो गई थी तब तक, तो वेल तो अपने आप खोल दियो देख लियो, पर आज मेरी मम्मी मेरा वेट कर रही है। अब उसको कुछ भी समझ लो, मैंने टीका वीका सब निकाल दिया, मैं थक गई थी। मेरी वॉच देखो कहाँ पड़ी है, लिपस्टिक देखो कहाँ पड़ी है भाई। ठीक है मम्मी कह रही है इसी बेड पर लहंगे को फैला दियो क्योंकि हवा हवा निकलेगी ना पसीने वसीने की। चलो गाइस मैं चेंज कर लूँ फिर एक बार मिलती हूँ आप लोगों से। हे गाइस तो अभी मैंने सिर्फ अपनी ड्रेस चेंज करी है, मेकअप अभी नहीं रिमूव किया है, अभी करूँगी आप लोगों से बात करने के बाद। और पता है मैंने आज फर्स्ट टाइम अपनी हैंड बैग्स कराई थी ना, तो मैं अभी पानी से वॉश कर रही थी तो मेरे को इतना अच्छा अच्छा लग रहा था, मतलब देखो ना अच्छा अच्छा लग रहा था, अच्छा फील हुआ मुझे बहुत। तो हाँ और ये जो निशान पड़ा है ये मेरे को कड़े का निशान पड़ गया, तो यस। एंड मैं सॉरी मैं कुछ भी बहुत अच्छे से नहीं दिखा पाई क्योंकि वहाँ पे ना म्यूज़िक चल रहा था और एक जो उनकी होस्ट थी वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ बोल रही थी, तो इस वजह से बट मैं शादी में गई थी तो मैंने सोचा मैं अपने गाइस को भी शादी में लेके जाती हूँ, तो बस इसलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, लव यू ऑल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड लव मी बहुत सारा, सपोर्ट बनाए रखो, प्यार दो बहुत सारा, बाय बाय।